नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत बारडोली में लगातार 33 वर्षों से रिद्धि सिद्धि गणेश मंडल का आयोजन का जो कार्य है वह लगातार 33 वर्षों से जारी है। गणेश मूर्ति का आगमन बड़ी उत्सुकता एवं ढोल धमाकों के साथ किया गया। इस रिद्धि सिद्धि गणेश मंडल में 50 से 100 लोगों की टीम वर्क करती है। इस गणेश जी की मूर्ति का स्वागत के लिए हजारों की संख्या में बारडोली एरिया के लोग शामिल थे। जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत बारडोली से प्रशांत पटेल के साथ डॉक्टर जगत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हम यहाँ गुजरात के सूरत जिले के बारडोली एरिया से बोल रहे हैं। यहाँ जो एक गणेश मंडल है रिद्धि सिद्धि, यहाँ इनका जो जायजा लेने के लिए जगत न्यूज 24 की टीम आई थी। यहाँ जो हमने जाना, ये लगातार 33 वर्ष से इन लोगों का जो गणेश जी का विषय है, जो गणेश जी बिठाने का जो आयोजन है ये चल रहा है। और इनकी टीम हमने देखा, ये इनकी टीम है, जो इनका जो गणेश मंडल है इसमें ये लोग 100-150 के लगभग है। ये हर जगह सामाजिक कार्यों में हर जगह ये लोग तत्पर रहते हैं। सभी जगह इनकी जो टीम है, जो हर जगह जो भी कोई ऐसी सामाजिक तौर पे या कोई मदद की जरूरत पड़ती है, इनका जो रिद्धि सिद्धि गणेश मंडल है हर जगह तत्पर रहता है। आगे हम यहाँ के जो आयोजक है, जो आयोजक टीम है, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दक्षेश पारेख है और ये हम रिद्धि सिद्धि गणेश मंडल हमारा मंडल है। और आज हम 7:30 से 6:30 तक हमारा आगमन है और ये आगमन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होके मुदित पे जाएगा। मुदित से स्वामीनारायण मंदिर और वहां से शिवाजी चौक और वहां से हमारे हुडको सोसाइटी है वहां पे जाएगा। ये आपका जो आयोजन मंडल है इसमें क्या मतलब आपकी टीम क्या क्या सहयोग में रहती है, क्या क्या कुछ सामाजिक कार्यों में कुछ सहयोग में रहते हैं आप लोग? हाँ, हमारा एक खासियत वही है कि हम 33 साल से ये कर रहे हैं लेकिन हमने कभी भी ये टिकट और ऐसा कुछ नहीं दिया है। हम विदाउट टिकट ही सब कुछ करते हैं और इसके अलावा हम साईं जो भंडारा रहता है वो करते हैं और इसके अलावा हम हनुमान जयंती है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। और आप मतलब जो आयोजन आप लोग 33 वर्ष से कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कतें आई या कुछ किसी ने विवाद वगैरह ऐसा कुछ हुआ अभी? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे सब यंगस्टर लड़के बहुत अच्छे हैं और बहुत सहयोग देते हैं और सभी साथ में मिलजुल के काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक पे ये जवाबदारी होती है, सब लोग साथ मिलके ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम काम करते हैं। हमारा जगत न्यूज 24 भी सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि जो भी त्योहार है सभी समाज, हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर मनाए, सबसे इसी से एकता बनी रहेगी और सभी में भाईचारा रहेगा। आगे में मेरे कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि आप जो मूर्ति है रिद्धि सिद्धि गणेश मंडल की उसको दिखाया जाए और इसमें सभी में एकता दिखी और एकता से कार्य कर रहे हैं और करते हैं। जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत बारडोली से प्रशांत पटेल के साथ डॉक्टर जगत सिंह राजपूत। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।